अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू इकॉनमी। मेरे साथ आज हैं उमर, अ गुड फ्रेंड एंड हु रन्स अ ब्रांड जिसके बारे में आई एम श्योर आपको आइडिया होगा। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड, इनकी शर्ट भी मैंने आज पहनी है, येलो। तो येलो जो है ये हमारा एक सक्सेस स्टोरी है और इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिससे मैंने सीखा है। तो मैं चाह रहा था कि उमर से बात करूँ और आप हमारे साथ शेयर करें अपनी स्टोरी, क्योंकि अगर मैं इतना सीख सकता हूँ आपसे, आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो पहले मुझे बताएं कि येलो है क्या। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मोनस, एंड आई एम जस्ट गोना जंप इनटू द क्वेश्चन। जी, येलो वाज स्टार्टेड बैक इन 2013। आई रिसेंटली हैड फिनिश्ड कॉलेज, मैं यूके में था, स्कॉटलैंड में था, कॉलेज खत्म किया। और उसके बाद नॉर्मली ये होता है कि इफ योर फादर ओन्स अ टेक्सटाइल फैक्ट्री, he just invites you and he says ki tu director hai, tujhe ghumne wali kursi pe maine bitha dena and you call the shots. Yes, but unfortunately my father is not that kind of a person, and he was like tujhe ragda maine dena, and you have to like, you know, do something out of, warna tu matlab I'm not going to give you a director position, you need to work from the bottom to. Lovely to hear. Theek hai ji, uske baad ab scene ye tha ki in that time there was a huge retail revolution going on. क्या आप खाड़ी सना सफीनाज आउटफिटर्स ऑल ऑफ दोज गाइस वर ओपनिंग अप स्टोर्स एंड आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट रिटेल रेवोल्यूशन सो आई स्टार्टेड मेकिंग माय ओन ब्रांड जब हमने ब्रांड बनाने की अच्छा एक सेकंड रुके मेकिंग माय ओन ब्रांड या आपने इतनी आसानी से कह दिया क्या इसका क्या मतलब होता है मेकिंग माय ओन ब्रांड मैं आपको बताता हूं इसमें पहले सीन कोई लेफ्ट ओवर्स का था ही नहीं अच्छा सीन ये था कि मेरे वालिद साहब की फैक्ट्री थी मैंने कहा यार मैं पिगी बैक करूंगा ऑर्डर अपने वालिद को दूंगा और वो मुझे ऑर्डर बना के दे देंगे और मैं ऑनलाइन बेचूंगा ठीक है तो ऑनलाइन का प्लान शॉपिफाई हम लोगों ने थोड़ा सा स्टडी कर लिया था और हमने कहा जी हमने ये शॉपिफाई पे बेचना So we, I placed an order, like I hired a designer, I made some designs, gave it to the factory, factory ne kaha ji. Aur kya designs hai? Shirts kitne? Shirts, polo shirts. Men, women? Men's ke, sirf apne men's ka, basic ka. Achha, sahi. So the first 3-4 months I was doing that, achha ji, factory ko maine order place kiya November ya December ke andar. Unne kaha ji, hum log to fully booked hain, aapko June mein hum order dehenge, aur aapki to quantities hi 100 pieces hain, 200 pieces hain. तो हमें तो आदत है 10,000 पीस की। दिस इज माय फादर्स एम्प्लॉईज टेलिंग मी कि जो डायरेक्टर है कंपनी का, उसको ये कह रहे हैं कि यार तेरे तो ऑर्डर बहुत छोटे हैं। सही बात कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। अच्छा, अब वहां मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी कि 3-4 महीने हो गए, मैंने इतनी मेहनत की, बंदे रखे, काम कुछ हुआ नहीं। एंड देन वी वर वर्किंग विद दिस कैनेडियन कंपनी एंड दे सेंट अस एन ईमेल ऑल ऑफ अ सडन कि वी हैव फाइल्ड फॉर बैंकरप्टसी। ठीक है, हम लोगों ने आपको लाख या $2,00,000 का ऑर्डर दिया हुआ था, $50,000 हमने आपको दिए हैं, वी वुड नॉट बी एबल टू यू नो रिसीव दिस ऑर्डर बिकॉज वी डोंट हैव एनी मनी, तो सॉरी यू नो कैंसिल द ऑर्डर। अच्छा, अब हम इस पोजीशन के अंदर हैं कि वी हैव हाफ द मनी, पूरी शिपमेंट तैयार है, हमने पूरी शिपमेंट भेज के पैसे ले लेते हैं। ओहो, ठीक है। अब वो एक पिकल के अंदर हम फंस गए कि $50,000 या आई डोंट नो रिमेंबर द अमाउंट, $50,000 आई हैव, $50,000 आई नीड टू रिसीव, बट मैं किसको बेचूं, उनका नाम है, उनका ब्रांड है, सारा कुछ है, कंपनी हो गई है बैंकरप्ट। वाओ, तो देन ये इस तरह के इश्यूज अक्सर आते हैं मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल इस तरह की भी दे सकता हूँ कि एक एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन दिया या एक प्रिंट का डिजाइन दिया जो कंपनी ने कहा है कि आपने 1 inch का बनाना है, सही। लेकिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन टीम ने गलत पढ़ के, गलती करके 2 inch का बना दिया। ओके, तो अमेरिकन कंपनी ने आके आपका ऑडिट रिजेक्ट कर देना, लेकिन अभी लाइक कि मैंने आपको 1 inch का कहा था, आपने 2 inch का बना दिया। The product is fine, but it's not the design which we asked for. Or then, either you give them a discount, or they cancel the order. So, ये position में आप फंस जाते हैं. Very interesting. तो आपके ख्याल में जो total orders जाते हैं, कि उसमें से कितने फीसद इस तरह के होंगे जो कि reject हो जाते हैं या किसी reason की वजह से फंस जाते हैं, stuck हो जाते हैं? 5-10%. तो काफी ज़्यादा है percent, जिसका volume बेतहाशा है अगर आप again it is and if you do the math, मेरी अपनी factory के अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है कि 3-4 lakh किलो average बचता है, and I would easily say कि 5-10%
बी क्वालिटी रिजेक्शन इस तरह, ये अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा, ये वो प्रोडक्ट है जो 5-10% मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमारी टीम इंस्पेक्ट करती है और वो कहती थी ये इट्स नॉट एज पर द कस्टमर स्टैंडर्ड, आई गोना रिजेक्ट। तो ये बेसिकली क्योंकि आप एक इंडस्ट्री इनसाइडर हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है एंड आपने आई मस्ट से ब्रिलियंटली आपने इसको इसको इनकैश किया। तो आपका जो ईएलओ ब्रांड है इट हैज हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी टाइप आइटम्स, एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स, इट मेक्स सेंस, आपका जो नाम है ईएलओ, और वो आप काफी सस्ती प्राइसेस पे बेचते हैं क्योंकि यू नो ये जो आपकी शर्ट है जो भी मैंने पहनी है इसकी क्वालिटी बहुत हाई है और आपने एम्ब्रॉयडर भी करके दिया है, इसकी जो प्राइस अभी मैं ऑन एयर आपको नहीं बताऊंगा, इसकी प्राइस इज वेरी रीजनेबल एज कम्पेयर टू जो प्राइसेस इन द मार्केट चल रही है। तो ये एक बहुत स्ट्रेंज सा आर्बिट्राज है कि हायर क्वालिटी लोअर प्राइसेस, तो ये मतलब इंटुइटिव चीज नहीं होती हमारे लिए कि हायर क्वालिटी चाहिए तो प्राइसेस भी हायर होनी चाहिए। But what we felt when we started the company, अब इसकी pricing structure भी बड़ा interesting है। जब for example अब ये Canadian company थी, इनको हमने शायद hoodie बेची भी थी $8 की या $10 की। अच्छा अब उस time के अंदर back in 2013 there was no online space, this whole concept was not there। होता ये था कि आपने अगर export quality की कोई चीज़ लेनी होती थी, export leftovers लेना होता था, we used to go to Kareem Block Market या जैनब मार्केट कराची के अंदर और आप वहाँ जाके लेफ्ट ओवर कपड़े लेते थे। और उधर होता यही था कि बिकॉज माई फादर वॉज इन द इंडस्ट्री, तो लॉटी इसको कहते हैं, जो बंदा लेफ्ट ओवर चीज को उठाता है उसको लॉटिया कहते हैं, वो लॉट का माल उठाता है। तो लॉटिया आता था $8 वाले गारमेंट को, वो कहता था जी ये हुडी मैं ₹100 दूंगा। तो बैक इन दैट डे हम लोगों ने ये सोच लिया कि यार ये $8 का गारमेंट है, हम लोगों ने अगर इसको ₹100 से ऊपर बेच दिया क्योंकि हमारा ये फारिग हो गया गारमेंट, ये किसी और एटलीस्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, ये लोकल मार्केट में बेच सकते हैं। तो लोकल मार्केट में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी बंदे ने मुझे ₹100 रेट दिया तो वी सेड के इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ₹100 है, $8 नहीं है जितने का हमने बेचा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो प्राइसिंग भी इसी तरह हुई है। अब तो लेफ्ट ओवर सारा महंगा हो गया क्योंकि बेसिकली इन मैन्युफैक्चरर्स को एक आउटलेट दिए कि ये इन कैश हो सके स्टक मर्चेंडाइज, और हमें भी आपने काफी पुश किया है क्योंकि हमें अच्छी चीजें यू नो मिल जाती हैं, और ये आपने सारा काम ई कॉमर्स के जरिए किया है, आपका कोई रिटेल स्टोर नहीं है, नो, तो ऑल ऑनलाइन सेल्स। अच्छा ठीक है, तो आई मीन मैं तो आपका फैन हूं फ्रॉम डे वन, बट मुझे बताएं, या आई मीन एंड आई हैव बीन ऑलवेज बीन योर फैन एज़ वेल, आप तो नाइस एक आइकॉन एंड रॉकस्टार ऑफ पाकिस्तान एंड इन टेक इंडस्ट्री, इंटरनेट पे वी इन्वेंट थिंग्स दैट आरंट रियल, आप तो असल काम कर रहे हैं। तो इसमें कोविड बीच में आया है, इंटरनेट यूसेज में काफ़ी स्पाइक हुआ है, स्मार्टफोन यूजर्स बहुत ज़्यादा आए हैं, हम तो ये देख रहे हैं फ्रॉम नंबर्स तो हमारे सामने हैं, हम अपने बिजनेसेस में भी ये देख रहे हैं कि ऑनलाइन ग्रोथ आई है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है पिछले 2-3 साल में कोविड में, कोविड के बाद, उसके बारे में आप बताएं कि आपके सेल्स में कुछ इंपैक्ट हुआ है, ऊपर गई हैं, नीचे गई हैं, बिहेवियर चेंजेस आई हैं ऑनलाइन शॉपिंग में? आई वुड से कि जब कोविड आया तो एक तो वो अनसर्टेनिटी, पैनिक, ये सारा कुछ हो गया, बट आई वुड टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो जैसे ही कोविड से पहले ना मैं गाड़ी पे जा रहा फैसलाबाद से, क्योंकि मेरा ताल्लुक है उधर, अगर किसी का चक्कर लगा बहुत मिट्टी है, तो उधर ना मोटरसाइकिल वाले बंदे इस तरह मिट्टी और देवर मतलब मुंह पे कपड़ा बांध के ना मोटरसाइकिल चला रहे थे। तो वी डिसाइडेड कि हम ना एक पोल्यूशन मास्क बनाएंगे, अच्छा, एंड वी आर गोना सेल दैट। तो कोरोना से तकरीबन मार्च में पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ है, तो वी लॉन्च दैट प्रोडक्ट इन जनवरी और फरवरी में, अगली जनवरी नहीं पिछली 2020 में जस्ट बिफोर कोविड वी लॉन्च दिस प्रोडक्ट एंड वी वर सेलिंग लाइक 100 to 200 pieces a day. Okay. अच्छा। और ये क्या चीज़ है? ये सिर्फ एक मास्क था कपड़े का बना। Plain mask. Wow. कोरोना का लॉकडाउन हुआ है। पहले तो वेबसाइट थोड़ी देर बंद थी, we couldn't dispatch, but the website was operational. But we were getting 10,000 orders for masks a day. तो मैं आपको ये इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि 100-200 जो पीस बिक रहा था विदिन 3-4 days, फिर फैक्ट्री के भी ये हुआ कि ज़रा मसला हो गया, ऑर्डर्स की समझ नहीं आ रही थी, तो हम लोगों ने कुछ अपने जो फैक्ट्री के मेरे वाले साहब की फैक्ट्री के यूनिट्स थे जो टी शर्ट बनाते थे, हुडी बनाते थे, उसको कन्वर्ट कर दिया
मास्क्स के लिए और ये बिकॉज देयर वाज सो मच डिमांड और ये सारे ऑर्डर्स आपके ऑनलाइन ऑनलाइन दिस इज ई-कॉमर्स दिस इज जस्ट ई-कॉमर्स सो 10,000 मास्क्स अ डे वी वर सेलिंग तो इसमें दो चीजें आ रही हैं एक तो ऑब्वियसली मास्क की नीड बहुत थी ड्यूरिंग कोविड और दूसरा ये है कि लोगों में इतनी एबिलिटी आ गई थी कि ऑनलाइन ऑर्डर सीख गए थे या अगर सीखे नहीं थे तो सीखना पड़ा था क्योंकि लॉकडाउन था और मास्क की जरूरत थी exactly. तो ये दो चीजों ने एक साथ प्ले किया अच्छा और आपका जो नॉर्मल बिजनेस है जो क्लोथिंग का बिजनेस है ये लोग का उसमें क्या चेंजेस आएंगे उसमें भी यही चेंजेस आएंगे बिकॉज पीपल वांटेड टू गेट लाइक पजामा लाउंज वेयर स्वेट पैंट्स लोगों ने ऑर्डर की बिकॉज वो कहीं बाहर ही नहीं जा रहे तो आपके एवरेज डेली ऑर्डर्स में इंक्रीज था देयर वाज अ ह्यूज हाउ मच ऑफ एन इंक्रीज आई वुड से 20-30% इंक्रीज जो लॉकडाउन हमारा मार्च में हुआ है तो आप समझे कि अप्रैल में जून वी गॉट 20-30% इंक्रीज थोड़ा सा एक वो तो स्लंप आती है वो स्लंप नहीं वो स्लंप आया था क्योंकि फिर रिटेल खुल गई थी जून के अंदर अच्छा अच्छा तो वो हम लोगों का थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ बट ओवरऑल आई वुड से कि मुझे ये फील हुआ है क्योंकि आई टॉक टू द पीपल इन द इंडस्ट्री मेरे कुछ दोस्तों के भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं आई वुड से यू नो वी गॉट लाइक अ 5 years जंप बिकॉज़ ऑफ अ 5 year जंप आई वुड से बिकॉज़ बहुत बंदा इस तरह का था जिन्होंने पहली दफा ऑर्डर किया था कोरोना में वो तो बहुत आई मीन यू नो दिस इज अमेजिंग और वही जो ग्रोथ आपकी अभी आ रही है मैं तो देख रहा था लुकिंग एट इंडस्ट्री नंबर्स और ये थोड़े इनफॉर्मल है बिकॉज़ आई टॉक टू पीपल एट लार्ज ई-कॉमर्स साइट्स उनके नंबर्स देखता हूं हमारे अपने नंबर्स तो 84% ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर ई-कॉमर्स और व्हिच इज अमंग द लार्जेस्ट परसेंटेज ग्रोथ ग्लोबली इफ यू लुक हमारा बेस स्मॉल है जी ऐसे ही बट बहुत से यूजर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अदर वर्ड्स ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मेनी पीपल बॉट लास्ट ईयर ऑन द इंटरनेट दैट बॉट द प्रीवियस ईयर इट्स अ बिग स्टेटमेंट यस और ये अभी ऊपर जा रहा है इसकी जो ग्रोथ रेट है ये ज्यादातर आपके छोटे छोटे जो ऑनलाइन सेलर्स हैं वहां से आ रहा है जो कि इंस्टाग्राम पे बेच रहे हैं फेसबुक पे बेच रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर बेच रहे हैं और ये वही लोग हैं जो हम dukaan.pk के ऐप और प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ रहे हैं उनको हम वेब स्टोर्स फ्री में दे रहे हैं वी गिव देम द पेमेंट्स इंटीग्रेशन शॉपिफाई के साथ भी इंटीग्रेशन आ रही है एज यू नो और फिर जैसे उनके सेल्स स्टार्ट हो जाते हैं हम देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कितने सेल्स आते हैं इवन दो दे माइट बी अनडॉक्यूमेंटेड वी आर इन अ पोजीशन नाउ टू क्रेडिट स्कोर देम उनको हम उधार दे सकते हैं लोन दे सकते हैं स्टॉक के अगेंस्ट तो उससे वो स्टॉक खरीदते हैं उनकी सेल इंक्रीज हो जाती है तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं अभी दुकान के ऊपर कोई 230,000 शॉप्स खुल गए हैं ये लोग सीख रहे हैं इनमें से सारे एक्टिव अभी नहीं हुए जो नहीं हो रहे उनको हम ट्रेन कर रहे हैं वो आ रहे हैं पर ये जो अब हुआ है अगर मैं देखूँ कि कोरोना से पहले क्या ये हो सकता था और मेरा तो क्लियर आंसर ये कि एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल आई कुड नेवर हैव ड्रीम्ड कि ये उस वक्त होता तो अब हमारे हाथों में हम तो एंटरप्रेन्योर हैं ऑनलाइन सेल्स करते हैं ई-कॉमर्स में हैं अब हमारे हाथ में बहुत से टूल्स आ गए तो आगे क्या रास्ता है आपके आपकी जो एक्साइटमेंट है अपने फ्रॉम द ब्रांड ब्यूटिफुल ब्रांड बिजनेस और अब ये जो ई-कॉमर्स ग्रो कर रहा है और स्मार्टफोन्स आ गए हैं वी हैव पेमेंट्स तो ये सारी चीज़ें हाउ विल यू take advantage of these so what I have felt was ke we have an app we just had a ELOI app it hit 1 million downloads on android 1 million about 3-4 months ago to ab haan thank you but ab uska hum log ye scene dekh rahe hain ke as you all know facebook has become very expensive so I want everybody to have this retail space on their phones when they download the app and I can tell them about sales I can tell them about product launches through the app so right now we are putting a lot of money putting a lot of effort yani ki more sticky connection with exactly, your exactly because they aur mujhe aur hum logo ne jo apne numbers bhi dekhe hain so 35% of our sales come from the mobile app about 50% of the sales come from mobile website Yes. And only 15% of the sales come from. About 85% are coming from people shopping on their phone. On their phone, which yes. is consistent exactly. with industry numbers. और app का मजेदार चीज़ है कि हमारा cart size तकरीबन 20-30% बड़ा है जो app से चीज़ खरीद रहा है. Yes. तो उस चीज़ के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि अगर आपका I don't know maybe it's a personal connection I haven't done the research कि why the app size जो orders app से आ रहे हैं वो size क्यों बढ़ा? नहीं this is interesting आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ that I've seen अच्छा you took app compared to website yes there was a mcdonald's case study jo mujhe bahut interesting laga jab mcdonald's ne zor dala apni app ke upar ki log hame order kare online order kare app se le
तो उन्होंने भी देखा कि उनका बास्केट साइज इंक्रीज हुआ है और बहुत एनालिसिस के बाद उनके तो अच्छे खासे एक्सपेंसिव दे हैव बेन एंड किंजी कंसल्टेंट्स वगैरह उनकी उनका ये कंक्लूजन था कि बास्केट साइज इसलिए इंक्रीज हुआ है क्योंकि आप ऑनलाइन ऑर्डर करें ऐप के थ्रू और आप नहीं चाहते कि अगर मेरा मूड हो गया यार मुझे फ्राइज एक बार ऑर्डर करना चाहिए था मैंने नहीं किया मुझे आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा तो अभी से यार फ्राइज भी ऑर्डर कर देता हूँ केक भी आई हैव अ बटन तो दे हैव सीन कि द कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग मेक्स यू ऑर्डर मोर और आप भी ये देख रहे हैं वी हैव सीन इट अक्रॉस द बोर्ड तो आई मीन हमारे लिए तो बहुत क्लियर है कि फ्यूचर ऑफ शॉपिंग हैज टू बी ऑनलाइन जैसे जैसे ज़्यादा लोग ऑनलाइन आ रहे हैं अब तकरीबन 110 मिलियन स्मार्टफोन इनेबल्ड यूजर्स हैं इस मुल्क में विच इज यू नो समथिंग एंड इफ यू लुक एट यूनिक जो यूजर्स होंगे उसमें नॉट द सेम कनेक्शन वो कोई 80 मिलियन के करीब होंगे तो यू लुकिंग एट रफली 70-75% ऑफ अडल्ट्स इन पाकिस्तान जिनके पास आज के दिन में इंटरनेट इनेबल्ड स्मार्टफोन है और उनके पास जैस कैश इजी पैसा है तो ये पूरी गेम ऑन हो गई है बिल्कुल ऐसे ही है और इसमें मैं ये फील करता हूँ कि हम लोगों को अभी तो मैं हर जगह जाके यही कहता हूँ वी हैव जस्ट स्क्रैच्ड द सरफेस बिकॉज अभी मेरा जो घर में चौकीदार है जो पढ़ा लिखा नहीं है वी हैव टू सेल इट टू हिम उसकी भी एक डिमांड है और वी नीड टू वर्क ऑन लाइक वॉइस ऑटोमेशन और समथिंग के उसने अगर एक टी शर्ट खरीदनी है या अपने लिए शलवार कमीज खरीदना है या ईद के गिफ्ट खरीदने अपने बच्चों के लिए तो वी हैवंट इवन थॉट अबाउट दैट वो एक इतनी बड़ी ऑडियंस है जो पढ़ी लिखी नहीं है बट दे हैव स्मार्टफोन Absolutely. और वो टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं बट दे कैन नॉट बाय द प्रोडक्ट बिल्कुल तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट और उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ पायलट्स आप समझ लें कि इन टॉक्स होते थे लेकिन कभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुए तो वी वर्क विद वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस विद लेपर्ड्स एंड लेपर्ड्स गेव अस अ सॉल्यूशन के यार हमारा 5000 ऑफिसेज हैं हमारे इतना बड़ा नेटवर्क है तो आप हमारे ऑफिस के अंदर एक कंप्यूटर दे दें हम वहाँ एक बंदा रख देंगे एंड कोई अगर गांव के अंदर बंदे ने कोई चीज डिलीवर करानी है वी कैन शो देम द येलो वेबसाइट और ऑर्डर कर देंगे और हम भेज देंगे इट नेवर हैपेंड इट नेवर मटेरियलाइज्ड बट देयर इज अ वे टू डू इट एंड वी हैवंट डन इट ये मुझे बताएं कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट टॉपिक एंड दिस इज ये जो न्यू इंटरनेट यूजर्स आए द बॉटम ऑफ द पिरामिड जो कि 50 बिलियन प्लस लोग अभी अभी इंटरनेट पे आए लास्ट 5 इयर्स अपने स्मार्टफोन्स पे आए और एजुकेशन लो है दिस इज माय फेवरेट ग्रुप ऑफ क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अपलिफ्ट दैम अच्छा ये एग्जिस्टिंग है कि मार्केट आई स्पेंड सम टाइम इन लाहौर सेकंड हैंड क्लोथिंग की मैसिव मार्केट है आप जाएं वॉश रिफर्बिश आयरन करके आपको अच्छे क्लोथ डिसेंट क्लोथ एट अ डिस्काउंट लगा देते हैं तो व्हाट आर योर व्यूज कि इस मार्केट को ऑनलाइन आना चाहिए इसका स्कोप है बिल्कुल ऐसे ही है ना आई थिंक अगर इफ देयर इज अ मार्केट देन देयर इज नो हार्म पुटिंग इट ऑनलाइन अगर एक चीज बिकती है तो क्यों नहीं करेंगे करना चाहिए मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं इट्स गिविंग देम बेटर कंपैरिजन और बेटर ऑप्शंस तो बिल्कुल होना चाहिए ऑनलाइन और ऑडियंस तो है बिकॉज़ आई वर्क One of my employees has a brother who works at NCA. वो कहता है हमारा कोई show होता कोई theatre की चीज होती है. You go to London to buy the product and people are doing it. If अगर वो इस तरह की जो चीजें हैं या जो quality items आपको उधर से मिलती हैं वो and the price is just crazy. और अगर audience है तो क्यों नहीं करना चाहिए. दूसरी एक वो एक शायद आपने ad भी देखा है एक company है they sell refurbished shoes. खजाने आई थिंक अच्छा एंड वो ऑल बर्ड्स नाइकी एंड दे डू दैट एंड यू नो माय फादर बॉट शूज यार हमने अभी लिया है फॉर माय सन आई बॉट सम शूज फ्रॉम अ सेकंड हैंड शॉप आई बॉट नाइकी एंड एडिडास शू एंड एवरीथिंग तो ये तो यू नो आई थिंक दिस इज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड दुकान का एक्चुअली प्रॉमिस ही यही है क्योंकि एक फ्री ऐप है बहुत आसान है तो वो जो छोटा स्टोर ओनर है हु सेंड्स सेल्स गुड्स अब वो ऑनलाइन आ सकता है एंड ही कैन डू सेल्स ऑनलाइन तो आई मीन उम्मीदें तो बहुत हैं मुझे बताएं कि ये इज देयर अ पेनल्टी टू सेल ऑनलाइन या हमारी जो मार्केट है इट्स अनडॉक्यूमेंटेड टैक्स रिजीम एफपीआर यू नो ऑब्वियसली ट्राइंग टू ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल इन द टैक्स नेट तो आर यू सीइंग अ पेनल्टी फॉर सेलिंग ऑनलाइन वर्सेस कैश सेल्स एट रिटेल पर्सनली आई वुड से बिकॉज़ आई थिंक इट्स नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड क्योंकि देखो मेरी सारी डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शंस हैं मुझे एक पक्का चेक कुरियर कंपनी देती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने करोड़ रुपए की सेल दी है तो करोड़ रुपए का ही चेक मुझे मिलेगा
तो मैं तो उसमें कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता, वेयर एज यू कंपेयर इट टू द लोकल गाय, तो आगे पीछे कर देगा, आगे पीछे करेगा, कैश परचेजेस भी करेगा, और ऊपर से हम लोग डिजिटल पेमेंट्स ले रहे हैं। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि अगर आप MDR की बात करते हो, जो कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, विच इज कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो रेस्टोरेंट में, तो द क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्जेस यू 1.5%, बट इफ दैट क्रेडिट कार्ड इज यूज्ड ऑन माय वेबसाइट they charge me 2.5%. तो फिर मुझे आप बताएं कि enabling तो ये penalty है ना? Penalty है, और इसलिए आपसे पूछा था क्योंकि मैं आपसे agree कर रहा हूँ. There's a penalty for e-commerce. Even then, e-commerce is growing because of convenience. Cash. दूसरा मुझे वो जो 5% वाला, you go to a restaurant, you pay by card, you get 5%. ऊपर से अगर आप restaurants में जाते हो, for example, Elan, तो you get 40% discount on some cards. हाँ. अच्छा, अब वो सारे काम हम लोग नहीं कर सकते. And the government should say कि okay, अगर आप कार्ड से पेमेंट करें, आपका सेल्स टैक्स 5% होएगा। यार होना चाहिए, because अभी देखिए कैश हैंडलिंग की एक्चुअल कॉस्ट है। अगर आप if you're a business owner और आपके पास कैश अच्छा खासा आ जाता है, वो आपके जो क्लर्क हैं, जो कैशियर, उससे उठाना है, फिर किसी बैंक ब्रांच में डालना है, और फिर कैश इधर उधर भी हो जाता है, तो कैश एक्सपेंसिव है। तो ऑनलाइन पेमेंट इज चीपर, क्योंकि क्लीन है, अकाउंट टू अकाउंट गया, अकाउंटिंग सारी हो गई, इधर उधर नहीं जाते पैसे। तो थियोरेटिकली ऑनलाइन पेमेंट्स की ट्रांजैक्शनल कॉस्ट कैश पेमेंट से सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं एक और चीज को भी लाइक इफ यू स्टडी ऑनलाइन स्टोर्स बैक इन द US इन द 90s अर्ली 2000s, करो द सेल्स टैक्स नहीं था ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के ऊपर, नहीं था, मुझे बिल्कुल याद। अब देखो ना, आप पाकिस्तान के अंदर कहते हो टैक्स भी लेना, सारा कुछ करना है, एंड यू वांट, like if you go to any forum from the government, वो ये कहते हैं जी हमने e-commerce को बढ़ाना है, ये करना है, but they are not facilitating anything. चलो मैं ये नहीं कहता sales tax zero कर दो, लेकिन थोड़ा तो कर दो यार. I think you know issue ये है कि it's a big kind of machine. Yeah. Government and कुछ departments हैं उनके जो targets जो हैं वो काफी immediate हैं और long term picture नहीं देखी जाती. You look at your targets कि मैंने ये meet करना है, and the country frankly needs money. Mm-hmm. तो maybe so it's very unfortunate, but I think we are in a bit of a strategic kind of a conflict. जी, maybe. अच्छा, last topic I just want to discuss with you, ये BNPL. This is something that's hit Pakistan by storm. बहुत अच्छे players हैं space में, कुछ हमारे दोस्त भी हैं. और BNPL, आप लोगों के लिए BNPL is buy now pay later. और ये to explain how this works, financial services के इदारे होते हैं जो कि कहते हैं कि जी आपके जो क्लाइंट्स हैं आपके स्टोर पे, उनको हम चार हिस्सों में इंस्टॉलमेंट्स की इजाज़त हम दे देते हैं कि जब वो आपसे लेंगे, अगर 100 रुपये है तो 25 रुपीज़ देंगे और वो हमें देंगे, और हम आपको देंगे, और दूसरी जो किस्त है वो हमें देंगे, वो फिर हम आपको देंगे, एंड द थर्ड, तो सारा रिस्क वो ले लेते हैं आपके लिए, मगर फिर आपसे कुछ दे चार्ज यू कमीशन, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है तो आपसे भी कुछ ले लेते हैं, मगर एंड में जो एंड कंज्यूमर उसका ज़्यादा फ़ायदा है, और उसका फ़ायदा इसलिए है क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे आप जब लेंगे और आप इसको स्प्लिट करेंगे 4 महीनों में, तो आपका एक इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है, तो अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 4 महीने बाद आपकी कॉस्ट पड़ जाएगी 130 रुपीज़, 120 रुपीज़, 150 रुपीज़, व्हाटएवर रेट यू पेइंग ऑन द कार्ड। तो आपका कुछ एक्सपीरियंस है BNPL के साथ, इसमें ब्राइट फ्यूचर है, डल फ्यूचर है, बैड आइडिया, गुड आइडिया, मुझे बताएं। अच्छा, सो बेसिकली आई स्टार्टेड वर्किंग विद किस पे अबाउट अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, व्हेन दे पिच्ड द आइडिया, तो मैं बड़ा अनसर्टन था कि यार ये पता नहीं चलेगा, बिकॉज माय कार्ड साइज इज अबाउट 2000। हां, एंड इट डिडंट मेक सेंस, बट देन आई हैड अ कॉल विद स्टीव मैडन का जो CEO है, एक्स, अच्छा, जेफ सिल्वरमैन। Okay. I was talking to him. I had like a Shopify forum conference thing we did online. So we were talking, and he said that 60% of the transaction on Steve Madden come from Afterpay. Who Afterpay user? Ooh, yes, yes, yes. 60%. अब 60%. उनका कार्ड साइज था $65 का. Wow. तो अमेरिका में $65 is comparable to Pakistani 2000. बिल्कुल सही. I would say. है है. अच्छा, अगर वहाँ 60% Afterpay use कर रहा है, तो फिर मैंने कहा ओके, वी शुड ट्राई इट। और जब हमने ट्राई किया, तो ओके, यू नो, मीडियोकर सा रिस्पॉन्स, बट
Now we have like launched some ads, some campaigns, and what we see is we are getting like decent traffic, decent. मतलब हो ये रहा है कि नया बंदा कोई भी नहीं आ रहा. But what's happening is कि जो हमारा पुराना customer है, उसका cart size बड़ा हो रहा है. And we just हाँ और क्योंकि अब वो afford कर सकता है. अब जो हमारा 2000 का order था, the orders coming from किस्त पे are 3800 rupees on average. So, wow. So average order size आपका pretty much doubled हो गया यार. This is fantastic and जो न्यू ऑर्डर्स अभी नहीं आ रहे वो आई थिंक शायद आ भी सकते हैं अगर इसकी मार्केटिंग उस तरह से आप करें. वो तो आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ पीएनपीएल और नॉट, वो एक्विजिशन तो एक्विजिशन है. बच्चे अब ये क्लियर है कि जब वो एक्विजिशन आपकी होती है, एज यू गेट एज यू इंक्रीज योर एक्विजिशन, उस एक्विजिशन का बास्केट साइज ज्यादा होगा इसके निस्बत जो अगर पीएनपीएल ना होता. और दूसरी मुझे एक इसका बड़ा बेनिफिट लगा वो ये है कि when you do cash on delivery, about 5-10% of the orders you ship, the customer doesn't receive it. जो कि आप फोन करते हो, आपने 100 ऑर्डर भेजे, क्यों नहीं रिसीव होते? वो इस तरह होता है जी, मैंने तो मजाक किया, तो मेरा एड्रेस ही नहीं था. अच्छा, फिर कुछ इस तरह भी होता है कि उनका राइडर भी कहता है, राइडर भी कहता है, वो भी होता है उनकी बदमाशी, उनकी भी. देखे, ये एक ऐसा लूप होल है कि मैं कुरियर वाले को कहता हूँ, कुरियर वाला कहता है मैं तो गया था, बंदे ने नहीं रिसीव किया, बंदा कहता है मुझे तो कॉल ही नहीं आई. और फिर आपको नहीं पता इसकी गलती, इसकी गलती. और फिर अगर आपके थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स हैं, आप कितनी एक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो पर ऑर्डर, बट 5-10% ऑफ द ऑर्डर्स यू, मतलब अगर आपने लाख रुपए की सेल की है, तो 5-10,000 रुपया की सेल नहीं है, वो वापस आ जानी. वो ऑर्डर यहाँ से जाएगा कराची, कराची में वो बंदे ने नहीं रिसीव किया, और वो एक्सपेंस भी हमें पड़ेगा और वो रिसीव नहीं करेगा. वाओ, ओके, तो ये तो बहुत महंगा है, तो महंगा हो गया. अब बीएनपीएल में ये है कि मेरे से उसने ऑर्डर लिया 100 रुपए का, उसने किस्त पे को 25% किस्त दे दी 25 रुपए की, किस्त पे ने मुझे कमीशन काट के सारे पैसे दे दिए अपफ्रंट, क्योंकि वो अपफ्रंट 25% वो भी अपफ्रंट दे रहा है, तो उसकी अब नाउ ही हैज अ कमिटमेंट. बिल्कुल हो गई, हां. तो इवन इफ यू चार्ज हिम 100 रुपीस, देयर इज अ कमिटमेंट कि यार मुझे चाहिए, ठीक है. अब उससे ये फायदा हुआ कि मुझे पूरे पैसे आ गए. मेरे कुरियर वाले ने, जब कस्टमर ने पैसे पूरे दिए होते हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर वो छोड़ता नहीं, वो कुरियर वाले से लेके ही रहता पार्सल. बिकॉज पहले जब सीओडी का बिजनेस होता है, वो कहता है अच्छा यार मुझे नहीं पार्सल मिला, मेरा गया क्या, मेरे कौन से पैसे लगे. बहुत जबरदस्त बात किया. तो उसमें एक ये कमिटमेंट वाला आपने जो एंगल बताया वो हो गया. और ये एक्चुअली यू नो दिस इज ठीक है, दिस वर्क्स इन किस पे, एंड इट वर्क्स इन किस पे क्योंकि किस पे एडवांस पेमेंट ले रहा है. और हमारी इंडस्ट्री ज्यादातर, हमने अपने कंज्यूमर्स को काफी स्पॉइल किया है सीओडी, नहीं हम आके फिर आपसे ले लेंगे. अब जैसे आपका सीओडी का रेशियो नीचे आता है और ऑनलाइन पेमेंट्स का रेशियो ऊपर आता है, तो अगेन यही चीज होगी कि जो कस्टमर आपसे ले रहा है वो एक्चुअल रियल कस्टमर होगा, और अगर राइडर की गलती है वो कहेगा कि अभी नहीं मिला मुझे. तो आई थिंक ये कि अब इसके बारे में बताएं कि अगर इस तरह है कि 10% आपके ऑर्डर्स में ऊपर नीचे हो जाता है, तो व्हाई नॉट गिव अ 10% डिस्काउंट अगर आपको ऑनलाइन वो देते हैं पैसे. बिल्कुल, हम लोग करने के लिए तैयार है. बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम विद, वी हैव अ पेमेंट पोर्टल विद HBL. HBL doesn't allow us to give the discount. वो उनके पास है, वो कहते हैं जी हमारे पास मैकेनिज्म ही नहीं है कि हमारे कौन से कार्ड पे वो चलेगा तो डिस्काउंट देंगे, बिकॉज दे हैव टू गेट द डिस्काउंट फ्रॉम बैंक्स. ये सारे इंडिविजुअल बैंक्स के एग्रीमेंट्स है. मैं नहीं, बट ये जो आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्काउंट जो कि आपकी जेब से जाएगा, उस केस में भी ऐसे ही है. उस केस के अंदर भी यही इशू आ रहा है. हम लोगों ने तो कुछ पेमेंट्स इस तरह कर दी, ये तो हल कर देंगे आपके लिए, कर दें सर, बिकॉज़ दिस इज अ पेन पॉइंट. और हम लोगों का देयर वाज दिस कंपनी कॉल्ड सेफपे. यस, आई नो सेफपे, एंड सेफपे वाज ब्रिलियंट. अभी भी है ना? अभी भी है, लेकिन उनको SECP का लाइसेंस कोई मसला चल रहा है, सो दे आर नॉट ऑपरेशनल. बट विद देम इट वाज सो इजी, एंड नाउ वी आर वर्किंग विद बिग बैंक्स लाइक HBL, और वो नहीं करके दे सकते. और सेफपे जिनकी, आई डोंट नो हाउ बिग देयर टीम वाज, बट दे वर एबल टू डू दैट. तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज मुझे लगती है कि इतनी ब्यूरोक्रेसी है, बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े इदारे ये काम नहीं कर सकते, छोटा बंदा आके कर देता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किस्त पे इज केम आउट ऑफ नोवेयर एंड दे डेवलप दिस प्रोडक्ट, वेयर एज दीज बिग बैंक्स और जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको ये करना चाहिए. देखो फिंजा ने, जो हमारा इदारा है, फिनटेक, EMI लाइसेंस भी है, NBFC लाइसेंस भी है,
फिंजा ने 50,000 अनसिक्योर्ड लोन दिए हैं MSMEs को, छोटे छोटे जो इदारे हैं जो किराना स्टोर्स हैं, और उनमें रीपेमेंट हमारा हुआ है 99.6% अनसिक्योर्ड लोन। अब ये काम बहुत तेज़ी से अब कर रहे हैं, बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है। अब बैंक्स का ये है कि बैंक्स अपना जो कोर बिजनेस है अच्छा करते हैं, मगर जब इनोवेशन की बात होती है, बैंक का स्ट्रक्चर, रिस्क कंप्लायंस, ये सारी चीज़ें उनके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं और इनोवेशन को वो मार देती हैं या इसको बड़ा स्लो कर देती हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन के लिए, क्योंकि आपका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, कोर रेल्स तो बने हुए हैं। अब आपने थोड़ी एक दो चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस में आप इम्प्रूव करें और आप देखें कि ट्रांजैक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, जो फ्रिक्शन गोज डाउन। तो आई एग्री 100%। यार कोई एनी लास्ट थिंग्स यू'd लाइक टू शेयर विद अस, एनी ऑफ योर विजडम, एडवाइस, इनसाइट्स? I think the future is bright, and if you are watching this podcast, I think you should invest your time and money and business ideas in something to do with digital space in Pakistan, because सारी जो problems हैं वो digitally अगर आप solve करोगे तो you'll save time, you'll save money, you'll make a lot of money as well. और दुकान पे अपना store बनाएं और ये लो सब t-shirts भी। Umar, thank you so much for being here. Thank you so much for watching. Inshallah, we'll have another interesting episode for you. Probably not as interesting as our talk with Umar, but inshallah, you'll enjoy the next one too. Thank you, Umar. Thank you.